अब आइए, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एफ ए क्यूज। ऐसे तो ये एडवांस नॉलेज में है, पर मैं पढ़ा दे रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइव स्टार रेटिंग दे देना। चलो, इसमें मुझे लगता है आईसीएसआई को यहीं से क्वेश्चन पूछना चाहिए, और जितने ही हैं, एक दो तीन, कितना है देखो तो, 20 है, 15 है, 18, क्या 16, 16 क्वेश्चन तो एकदम बना हुआ आईसीएसआई का, यही पूछ ले, काम हो जाए। नहीं मतलब एक बार एग्जाम ऐसा ले, 16 क्वेश्चन यही आए। जो बच्चा वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, मतलब वर्चुअल मीटिंग पढ़ा होगा, वो तो पास, बाकी बच्चे फेल। एक बार ऐसा हुआ था, शेयर कैपिटल से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था, सिर्फ शेयर कैपिटल से आया था, और उस एग्जाम में डायरेक्टर चैप्टर से आया ही नहीं था। तो ये लोग कुछ भी करते हैं, है ना। एक बच्ची बड़ा इंसिस्ट कर रही थी पिछले क्लास में कि आपने चैप्टर का वेटेज बता दो। हम लोगों ने देखा है, यूट्यूबर सब बताता है कि ये चैप्टर कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, है ना, ये चैप्टर 16 मार्क्स पक्के, 4 घंटे में 40 मार्क्स पक्के, कुछ नहीं होता है। जो बच्चा एग्जाम दिया उसको मालूम, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बताइए आईसीएसआई कैसे बोल सकता है कि ये चैप्टर बेकार में डाल दिया मैंने, कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने भी मार्क्स का पूछ सकता है। आपका जो स्ट्रैटेजी मात्र उतना बन सकता है जितना आईसीएसआई ने अपने मॉड्यूल में बांट रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से। जैसे कंपनी लॉ के अंदर 60-40 का बनाया हुआ है, कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस में, और जो तुम्हारा 40 वाला है उसी में जनरल मीटिंग, उसी में डायरेक्टर है। तो जो अपना उस सेकेंड वॉल्यूम का बुक है वो 40 मार्क्स का है, और जो फर्स्ट वॉल्यूम है अपना वो 60 मार्क्स का है। इसलिए तुम देखोगे फर्स्ट वॉल्यूम ज्यादा मोटा है, ज्यादा चैप्टर्स हैं, और इसमें कम चैप्टर्स। तो स्ट्रैटेजी मात्र इतना बन सकता है तुमसे, चैप्टर वाइज नहीं बना सकते, क्योंकि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर का तो कहानी सुनाया हुआ, एक बच्ची का रैंक 6 आया, काश अगर ऐसा वैसा ना होता तो शायद रैंक 1-2 पे रहती हो, क्योंकि रैंक्स के बीच में एक एक मार्क्स का ही फर्क रहता है। वो तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के आई थी, डिपॉजिट चैप्टर से 20 मार्क्स का आ गया था। तो इन सब चक्करों में मत रहना, अब तुम लोग का एग्जाम आने वाला है, तुम डरे हुए हो, और डरे हुए को ही ठगा जाता है। जो इंसान सीना तान के चलता है उसको कोई ठगता नहीं है, ठगता उसको है जो दुखी होता है, डरा हुआ होता है। तुम डरे हुए हो, अब यूट्यूबर सब तुम्हारे साथ खेलेगा, है ना। आ जाओ सारे आज रात में, 20 मार्क्स पक्के, देखा होगा ऐसे ऐसे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे अब, है ना। अब तुम अपना सारा पढ़ाई टाइम टेबल छोड़ के उसका वीडियो देखने लगोगे, और तुम्हारा अपना स्ट्रैटेजी बिगड़ जाएगा, और बाद में उससे फ्रस्ट्रेशन होगा, और तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बताइए, एक यूट्यूबर थोड़ी है यार, 17 यूट्यूबर है। तो एक तो ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस शुरू करेंगे अपना, है ना। फोकस्ड रहिए ऐसे ऐसे। कभी देखा घोड़ा गाड़ी को, उसको इतना ही दिखता है ना, इधर ना इधर, तभी वो सीधा चलता है। तो ये बात मैं बता दे रहा हूं, ये तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि सुनिए क्या तुम लोग को कैसे कॉन्फिडेंस तोड़ा जाएगा। कोई एक चैप्टर वो दिखाएगा, ये अमेंडमेंट हुआ है, आपको पता है कि नहीं बच्चा, अमेंडमेंट हुआ, सर ने तो पढ़ाया नहीं, और सर ने बाकी जो चीज जो पढ़ाया वो कर लिया। तुम उस चक्कर में बाकी चीज भी छोड़ के जाओगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो प्लीज ये सब गलती काम मत करना तुम लोग। मैं चाहता हूं कि तुम पास करो, और अब तुम्हारे साथ गेम, अब ये शुरू हो रहा है, मैं देख रहा हूं यूट्यूबर सब एक्टिव होना शुरू हो गया। अब आप अपना स्ट्रैटेजी पे चलो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और शुरू से लास्ट तक उसी पर चलना। उस स्ट्रैटेजी को बनाने में, चूंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करूंगा। 1 नवंबर के बाद का स्ट्रैटेजी मैं दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताइए। अब बस उसी स्ट्रैटेजी पे चलना। अगर तुमको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद ना आए तो तुम अपना बनाना, यूट्यूबर सबके चक्कर में मत रहना। ये लोग गजब गजब बात करते हैं। एक मैंने देखा था, ये 4 चैप्टर कर लिया तो 40 मार्क्स पक्के, और चारों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। अब बताओ उस यूट्यूबर को उस वीडियो में घुस के पिटना चाहिए कि नहीं पिटना चाहिए? और मेरे से कोई बच्चा पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट। पिछले बार हर बच्चा शॉर्टकट चाहता है। प्लीज आप अपने आप को पहचानिए, आप लोग शॉर्टकट चाहते हो, आप लोग ऐसा आंसर मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो जिससे आपको खुशी मिले। जैसे आप बोले सर बता दीजिए ना, उसके मुंह में था कि 5 चैप्टर का नाम बता दें उससे 50 मार्क्स आए, तुम ये सुनना चाहते हो, पर ये तो गलत है, झूठ है। झूठ कैसे बोल दूं? सही बोलना कि नहीं बोलना पहले बताइए आप, क्योंकि बाद में तुम्हें फेस भी करना है, झूठ थोड़ी बोलूंगा यार। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर होने के लिए वो वर्चुअल मीटिंग से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हो सकता है वो जनरल मीटिंग से एक भी क्वेश्चन ना पूछे।
तो आपको सारे चैप्टर्स करके जाना है, करोगे? और एक एक बच्चा, तुम लोग एक काम दिया था क्या तुमने कि एक पेज पर तुम्हें लिख के लाना है फिजिकली कि सर मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई करने में, और मैंने बोला था इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि क्या मतलब, एग्जाम टाइम में जब तुम रिवीजन करते रहोगे तो डेली पूछोगे क्या मेरे से सर ये प्रॉब्लम, फिर डेली सॉल्यूशन दूंगा क्या कि सारे प्रॉब्लम अभी लिख लो और एक ही बार सॉल्यूशन दूं, और सॉल्यूशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो। कितना बार नया नया स्ट्रैटेजी बनाओगे यार? अच्छा कुछ लोग जानते हैं जो फेल्योर लोग होते हैं क्या होते हैं, हर 3 दिन के बाद स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। जैसे मैं सीएस के एग्जाम में क्या करता था, क्वेश्चन आया ना, कितने क्वेश्चन आते हैं सब मिला के, 6 क्वेश्चन एबीसी, एबीसी लोगों तो 18 20, लगभग 20 22 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन में मैं सेलेक्ट कर लेता था शुरू में कि मुझे कितना करना है, और जब लिखना स्टार्ट करता था तो फिर रुकता नहीं था, चाहे गलत ही लिख रहा हूं जी। कितना बार स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, जितना बार स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे उतना आपका क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। कुछ बच्चे को देखा, पहले एक क्वेश्चन लिख लेगा, फिर क्वेश्चन देखता रहेगा, कौन करूं कौन करूं, उसमें उसको उसमें क्या होता, उतनी ही देर में बगल वाले को देखता है, वो तो लिख रहा है, सब लिख रहा है, बस उसी में बेचारा साइकोलॉजिकली डाउन हो जाता है। मैं एक बार शुरू करता था चाहे गाली लिखूंगा पर लिख के ही छोड़ूंगा, समझे? तो ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। एग्जाम टाइम आ चुका है इसलिए मुझे लगा मुझे तुम्हें बताना चाहिए, मेरे मन में जब भी ऐसी चीजें आएंगी मैं बताऊंगा। क्लियर है? मानना न मानना तुम्हारे ऊपर। आइए अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर दोगे। पहला क्वेश्चन, एक बात बताइए, अब तुम करा रहे हो ई एजीएम, क्या करा रहे हो? ई एजीएम लिख लो। अब ई एजीएम या ई ईजीएम कराओगे तो वहां पे हो सकता है जैसे रिलायंस का एजीएम हो रहा हो, ई एजीएम तो 40 लाख शेयर होल्डर है, तो 40 लाख शेयर होल्डर अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो कैसे पूछेगा, वर्चुअली कैसे पूछेगा? क्योंकि देखो अब बोलोगे सर ये तो फिजिकल में भी प्रॉब्लम हो सकता था, फिजिकल में कभी 40 लाख आता ही नहीं था, लेकिन वर्चुअल में तो सब जुड़ जाएगा भाई, इंटरनेट से तो जुड़ना है। तो पहले क्वेश्चन बोलो ना, पढ़ो ना, हाउ टू पढ़ो। अरे जल्दी करो यार, आप मुझे बताइए कैसे होगा। तो सुनो इसका आंसर ये है, नोटिस में ही लिख दिया जाएगा कि जो जो शेयर होल्डर बोलना चाहते हैं पूछना चाहते हैं वो याद रखिएगा अपना नाम पहले रजिस्टर करा दें, ठीक है, मीटिंग से पहले रजिस्टर करा दें। जैसे 20 लोगों ने बोला कि हम बोलना चाहेंगे, तो इसका मतलब चेयरमैन कंपनी सेक्रेटरी को मालूम है कि 20 लोगों के बोलने की व्यवस्था करना है। अच्छा टाइम है 1 घंटा, तो उसको 20 में बांट दोगे। अच्छा 1 घंटा को 20 में बांटोगे तो 3 3 मिनट मिलेगा, 3 मिनट ना, तो यहां लिख दिया जाएगा कि 3 3 मिनट का टाइम दे रहा है। अब क्या करोगे भाई, यही करोगे ना, ये समझ में आया? पहले ही बताओ, पढ़ लो जल्दी पढ़ो। अच्छा मान लो कितने लोगों ने रजिस्टर कराया था नाम, 20। अच्छा 21वां एकाएक उठा, पहले मैंने नहीं सोचा था पर मैं अब बोलूंगा, तो बोलूंगा या ये फिर डिस्क्रिएशन होगा चेयरमैन का कि उसको बोलने देगा कि नहीं, मर्जी। तो जिन्होंने नाम रजिस्टर करा लिया वो तो बोलेंगे ही, जिन्होंने नाम रजिस्टर नहीं कराया क्या उनको भी बोलने का मौका मिल सकता है? यस, पर किसके मर्जी पे? तो भाई ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, देखा वर्चुअल मीटिंग चैप्टर में कहां था ये, लेकिन जब एफएक्यू यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आ रही। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन बोलो। अरे क्वेश्चन बोलो जल्दी से। अच्छा वर्चुअल मीटिंग में प्रॉक्सी का कुछ खेल है क्या, तो क्यों हटा दिया गया, ये पूछा गया क्यों प्रॉक्सी हटा दिया गया? अरे भाई प्रॉक्सी किसी के बिहाफ पर जाता है, जब ये ई वोटिंग हो रहा है, ई एजीएम हो रहा है, तो लोग खुद ही ज्वाइन हो सकते हैं, प्रॉक्सी का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर कैन अटेंड हिमसेल्फ, याद रहेगा। आगे चलें, ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन तुम बोलो। क्या वेन्यू के बारे में बताना जरूरी होता है नोटिस में? यस, और जो वेन्यू बताया जाता है वही डीम्ड वेन्यू माना जाता है, ये तो मैं बताता आ रहा हूं आपको। अब देखो ये ज्यादा अच्छा नहीं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, चलो अगला। हाँ नंबर 4 क्वेश्चन, बोलो। नोटिस में लिखा हुआ था टाइम कम है भाई, तो ऐसे 40 लोगों ने रजिस्टर कराया नाम पर हम 40 को भी बोलने का मौका नहीं दे पाएंगे,
तो या देंगे तो कम कम देंगे, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या शेयर होल्डर इस पर गुस्सा कर सकता है कि ये क्या मतलब हुआ? नहीं कर सकता है, पर के बताओ तो ये, अच्छा तुम यही देख लेते क्या? यस कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट स्पीकर्स डिपेंडिंग ऑन, ठीक है जी। अच्छा कैसे कैसे हो सकता है? अच्छा मतलब कैसे तुम रोकोगे, ये किसकी मर्जी होगी? चेयरमैन, जैसे मैंने बता दिया था कि बहुत बार वो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई एडवांस में ही अपना नाम अपना नाम वो कर दो, या एक काम करो जो तुम बोलना चाहते हो उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके तुम पहले ही भेज दो। अच्छा ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा? अरे वहां नोटिस में सारा एजेंडा लिख के हम भेजते हैं, एजेंडा देखोगे उस पर तुम कुछ बोलना है तो या तो मीटिंग में बोलो, पर मीटिंग में ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, तो तुम पहले से रिकॉर्डिंग करके भेज दो, हम उसका आंसर पहले से तैयार रखेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे तुम लोग को बोल रहा हूं कि तुम लोग को पढ़ाई में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो लिख के दे दो, मैं उस पर आंसर बना के एक ही बार वीडियो बना दूंगा। समझ में आया? आज जैसे मैं लाइव हुआ, यूट्यूब लाइव हुआ, अब बीच बीच में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो तुम क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब दे दूं, क्या पता मेरा दिमाग भी काम ना करे, लेकिन तुम पहले से क्वेश्चन बना के मुझे दे दोगे अपना कि सर मुझे ये दिक्कत है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना है क्या, सर रिविजन कैसे करना है, सर सर अगर हम रिविजन चौथे चैप्टर का कर रहे हैं तो हम पहला चैप्टर भूल जा रहे हैं सर, तो उसको कैसे करें सर, ऐसे तुम्हारी सौ परेशानी आ रही होंगी। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का टाइम कब दे सर, सुबह में दे कि शाम में दे सर, नहीं समझे आप सर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें सर, सर मॉड्यूल भी पढ़े क्या सर, ऐसे तुम्हारे 100 क्वेश्चन होंगे, ये सब एफएक्यूज हैं, तुम एफएक्यूज मुझे लिख के दे दो, मैं उस पर सोचूंगा, सोच के आंसर बना के वीडियो बना दूंगा, एक ही बार में मेरा काम खत्म। ये ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा पहले बताइए, और क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी पहले बताइए आप। चलिए आगे, चलो अगला बोलो, नंबर 5। अरे नहीं बोल रहा कोई, जल्दी बोलो नंबर 5। अच्छा स्पीकर बहुत ज्यादा हो गए तो कंपनी क्या कर रही है बदमाशी, जो फेवर में बोलने वाला है उसको उठा रहा है, जो अगेंस्ट में बोलने वाला है उसको कह रहा चुप रह बैठा रह, टाइम नहीं, चल। क्या ये अच्छा प्रैक्टिस है या यूनिफॉर्म होना चाहिए? आप सीधा बोलिए ना, अगर 50 लोग हैं तो सबको क्या दूंगा 3 मिनट, आप 50 में कौन है मुझे थोड़ी मालूम है, कौन फेवर है कौन अगेंस्ट है, आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं और कुछ नहीं, या कट ऑफ कर सकते हैं कि देखिए 50 लोग रजिस्टर हुए हैं पर टॉप 20 को ही बोलने का मौका देंगे हम, बाकी लास्ट के 30 रिजेक्टेड, बाकी लास्ट 30 को ऑप्शन है कि आप पहले रिकॉर्डिंग भेज दो, आपकी भी बात सुनी जाएगी, तो ये सब चलेगा लेकिन सेलेक्टिव नहीं चलेगा। अच्छा तुम खड़े हो जाओ, तुम क्या बोलना चाहते हो सर फेवर में, बोलो तुम क्या अगेन, चल बैठ, क्या ये सब काम करोगे तुम? चलो अगला हेडिंग बोलो, जिस आदमी ने अपने आप को रजिस्टर कराया कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या उसको क्वेश्चन भी उसी समय बताना जरूरी होगा, या अगर उसको लगता है अभी बता दूंगा तो कंपनी उसका ना झूठा आंसर तैयार कर लेगी, तो मैं सीधा मीटिंग में ही पूछना चाहूंगा, तो याद रखिएगा शेयर होल्डर चाहे तो उसके ऊपर है कि क्वेरी वो पहले भी बता सकता है, और नहीं अगर उसको नहीं शेयर करने का मन है तो बाद में भी बता सकता है, मतलब किसकी मर्जी के ऊपर चला जाएगा, शेयर होल्डर, मतलब कंपनी इसके ऊपर कुछ भी बोलेगी नहीं, बस कंपनी ये बात जरूर बोलेगी अगर आप पहले बता देते तो शायद हम उसका आंसर तैयार रखते, लेकिन अब आपकी मर्जी, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप बाद में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, हम उसके लिए आपको रोकेंगे नहीं। आगे अगला, बताओ जब जनरल मीटिंग होता है तो ऐसे प्रॉक्सी रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, अकाउंट्स हैं, ये लोग देखते हैं आके, पर अब फिजिकल तो हो नहीं रहा, कोई आएगा तो नहीं, तो रजिस्टर कैसे देखेगा वो लोग, बोलो, तो आप वर्चुअल डेटा रूम में बना के उसको अपलोड कर दो, नहीं कर सकते हो, और सबको क्या दे दो, लॉग इन और पासवर्ड, अरे बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता पहले बताइए आप, तो बस जैसे कहे आपको अटेंडेंस रजिस्टर देखना है तो ये लिंक है, क्लिक कीजिए, अटेंडेंस रजिस्टर वहां पर दिख जाएगा, ई बुक, क्या दिख जाएगा, ई बुक, तो ये तो हो ही सकता है यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है क्या, क्यों आईसीएसआई अपना मॉड्यूल ई बुक नहीं डाले हुआ है अपने वेबसाइट पे, तो फिर
चलो अगला बोलो। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आराम से आ सकते हैं। बताओ चेयरमैन जो था वही डिस्कनेक्ट हो गया बेचारा और फिर से ज्वाइन नहीं हो पाया, तो बाकी मीटिंग को कौन चलाएगा? आइए देखते हैं यहां लिखा हुआ है। याद रखिएगा पहले तो कोशिश किया जाएगा कि उसको फिर से रिज्वाइन कराया जाए, लेकिन अगर रिज्वाइन नहीं हो पाया तो दो चीज हो सकता है, या तो मीटिंग एडजर्न होगी या आपको अनदर चेयरमैन क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा। और अनदर चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा आपको याद होगा, पहले आर्टिकल चेक होता है, आर्टिकल साइलेंट है तो 104, भूल भाल गया ये लोग, 104 में याद होगा, पहले डायरेक्टर्स अमंग देमसेल्फ, और डायरेक्टर भी तैयार नहीं होंगे तो शेयर होल्डर्स अमंग देमसेल्फ, याद है। चलिए 8 नंबर 9 जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रांस, इसका क्या मतलब होता है? ये क्या देखो तो यही है, ऑटोबायोग्राफी कहां देख ले? बताओ बताइए, ये वीडियो है या ये आपका फिजिकल है, राइटिंग है? राइटिंग है ना, ये लिख लो पहले तुम, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब लिख लो, और रिटन और प्रिंटेड कॉपी ऑफ व्हाट समबडी हैज सेड। जैसे भाषण हुआ तो भाषण में कोई नेता मुंह से बोल रहा होगा तो उसी को किसी ने लिख के रख लिया, तो क्या बन गया? ट्रांसक्रिप्ट। क्या बन गया? ट्रांसक्रिप्ट, याद रहेगा। तो ट्रांसक्रिप्ट एक क्या है, राइटिंग में है, किसमें है? राइटिंग में, तो पेज हो गया ये, नहीं हो गया? तो चलो अब क्वेश्चन ये लिख लिया तुम लोगों ने, चलो अब मुझे बताओ, इधर देखो, ऐसे ही तुम लोग भी सीख लो, है ना। कहा जाता है आज की दुनिया में गूगल से बड़ा कोई टीचर नहीं है, गूगल से बड़ा कोई टीचर नहीं है, देख ले सबसे बड़ा टीचर तो गूगल है। एक मिनट में देखो, पहले के जमाने में बच्चा टीचर से पूछता था, सर ट्रांसक्रिप्ट का हिंदी क्या होता है? आजकल कोई पूछता है? सीधा कहाँ डाला? गूगल पे डाला, उसका आंसर निकाल ली, है ना। चलो ध्यान से सुनो, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सर जवाब देना, क्या शेयर होल्डर और डायरेक्टर रिकॉर्डिंग मांग सकता है एजीएम का? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो फाइल मांग रहा है, अरे रिकॉर्डिंग का मतलब ये वीडियो फाइल मांग रहा है, जैसे पेन ड्राइव में मांग रहा है, दे दो पूरा, एक फिल्म की तरह देखूंगा बैठ के। कहां लिखा हुआ? नहीं नहीं याद रखना, सबसे पहले सुनिएगा, जनरल मीटिंग का रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी नहीं है। एक बार बताइए, जब मैंडेटरी नहीं है तो हो सकता है बहुत बार कंपनी ने उसको रिकॉर्ड ही ना किया हो। अरे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो कर सकती है, लेकिन आपका बोर्ड मीटिंग का तो चलो लोग फिर भी कर ले, पर जनरल मीटिंग का तो बहुत बार वो रिकॉर्डिंग ही नहीं करते, तो कहां से दे देंगे तुम्हें? हाँ लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है, ट्रांसक्रिप्ट तो रखना पड़ता है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब एक मिनट जैसा नहीं हो गया, जैसे जैसे चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा? वर्चुअल जनरल मीटिंग, उसी को राइटिंग में लिखते गए, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, तो राइटिंग में हो गया ना, तो ट्रांसक्रिप्ट तो होगा ना। अरे ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या, वीडियो फाइल या आपका वो जो राइटिंग में है, वो जो राइटिंग में है वो। तो एक बात बताइए, क्या रिकॉर्डिंग मांग सकता है वो? रिकॉर्डिंग तो कभी भी नहीं मांग सकता, अगर कंपनी ने रिकॉर्डिंग किया भी होगा तो भी वो इंटरनल पर्पज के लिए है, देने के लिए नहीं है। आपको मालूम नहीं है भगवान, रिकॉर्डिंग दे देगा ना तो यूट्यूब पे जाकर कोई उसको क्या करेगा, अपलोड कर देगा। आप बताओ, जनरल मीटिंग थोड़ी कोई दिखाता है अपना, जनरल मीटिंग तो किसके बीच का है, कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच का इंटरनल मामला है ना, उसको थोड़ी पब्लिक कर देगा कोई उठा के। चलो अगला बोलो, नंबर 10। अच्छा इस बार वीडियो नहीं मांग रहा, कह रहा है कि यही दे दो, ट्रांसक्रिप्ट ही दे दो, बोलो, मतलब वीडियो नहीं मांग रहा है, इस बार क्या मांग रहा है? ट्रांसक्रिप्ट मांग रहा है, तो रिटन डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कह रहा वही दे दो, तो दे दोगे? याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी को बोला गया है कि आपको ये मैंडेटरी है कि आपको वीडियो अपलोड करना है या ट्रांसक्रिप्ट करना, बस कहां पे? अपने वेबसाइट पे। अच्छा कंपनी के पास अपना वेबसाइट नहीं है तो, देखो कंपनी के पास अगर वेबसाइट है ही नहीं
तब तो भाई शेयर होल्डर को उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनका वेबसाइट है तो क्या बोलेंगे, हमसे क्यों मांग रहे हो, जाओ वेबसाइट पर देख लो। कहाँ देख लो, वेबसाइट पर देख लो। ये बात समझ में आया? चलो अगला। उसके बाद अगर, लेकिन यहां तक तो पब्लिक कंपनी था। अरे यहां तो पब्लिक कंपनी है ना, अब प्राइवेट कंपनी के लिए बताओ। पहले सबसे पहले प्राइवेट कंपनी में तो अपलोड करने का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने, सुनो, अगर मान लीजिए अगर उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट बनाया हुआ है तो अब प्राइवेट कंपनी की मर्जी है, मन है तो दे, न मन है तो ना दे। लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस आप चाहें तो दे सकते हैं, बशर्ते एक बात का ध्यान रखना कि बस कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो खराब होना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया? अगला 11 नंबर क्वेश्चन, नहीं पढ़ोगे तो बेकार है सब। आप एक बात बताओ, कोरम जो है शुरुआत में चाहिए या लास्ट में चाहिए या बीच में चाहिए या हमेशा चाहिए? याद रखना कंपनी एक्ट में तो शुरुआत बोलता है, बस याद है, आधे घंटे में गिनता है कोरम, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 का कहना है कि पूरा रहना चाहिए, शुरू से अंत तक क्या रहना चाहिए कोरम। अच्छा मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो कोई वीडियो ऑफ करके निकल लिया बीच में, तो कैसे पता चलेगा? तो आंसर पढ़ो, तो पूरा आंसर पढ़ो, पूरा आंसर पढ़ो। बताइए, एक जनरल आंसर लिख के दे दिया जाए तो क्या लिख के दे दिया, कि चेयरमैन एंड कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होगी देखते रहना कि भाई कोई भागा तो नहीं। बताइए कैसे दिखेगा वो भागा है कि नहीं भागा? 40 लाख विंडो खुला हुआ है, देख लेगा कंपनी सेक्रेटरी, तो कहा ना तुम्हें पता ना हमें पता, चल आंसर देना था दे दिया, तुम भी यही एग्जाम में लिख देना, समझे? क्या करोगे फिर? आइए 12 नंबर आओ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि NSDL CDSL का ही फैसिलिटी लिया जाए कि हम किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं? कहां लिखा हुआ है किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं? बस नॉट मैंडेटरी है। बताओ जल्दी से, आप याद रखिएगा, अलग अलग आप चाहे लिखा ना, कंपनी में यूज अदर सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो। NSDL CDSL थोड़ा महंगा है ना, तो बड़ी कंपनी किसका सर्विस लेती है वर्चुअल के लिए? NSDL CDSL। बाकी तो आजकल छोटा मोटा जूम, गूगल मीट, ये सब भी चलने लगा, समझे? चलो अगला पढ़ो जल्दी, अरे एग्जाम में आएगा। बोलो, अब बोर्ड मीटिंग पर आ गया। जो रोल कॉल होता है उसको, जो लोग फिजिकली बैठे हुए उनको का भी रोल कॉल होगा या सिर्फ वर्चुअल वाले का? कहाँ लिखा हुआ ऑल का? वाह वाह बढ़िया, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी हो, है ना, आपको हमेशा बताना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप फिजिकली जुड़े हो चाहे आप। चलो नंबर 14। अच्छा इस बार डायरेक्टर, डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों मांग रहा है बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्डिंग मांग रहा है। तो सुनो, ऐसे डायरेक्टर मांगे तो समझ में भी आता है, पर शेयर होल्डर मांगे बोर्ड मीटिंग का तो समझ में आता है क्या? बोर्ड मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग है क्या? खैर पढ़ के तुम आंसर निकालो पहले, कि क्या शेयर होल्डर, ये दो पार्ट में आंसर होगा। पहले डायरेक्टर का देखो, क्या डायरेक्टर मांग सकता है रिकॉर्डिंग बोर्ड मीटिंग का? पूरा पढ़ के तुरंत यस मत बोला करो। जल्दी बोलो, बाद में करती हूँ, बाद में करती हूँ।
सामने वाला कितना डिसिप्लिन लोग होते हैं, हेलो बाद में करती हूँ, ओके, और हम लोग अभी बात करो है? ऐसा मैं समझ सकता हूँ, कंपनी से उसको भी बोल दिया बाद में बात करो। अच्छा अच्छा सबसे बड़ा गुस्सा क्या आता है मालूम, कंपनी से फोन उठाते, आपके लिए ये प्लान लाया गया है ना, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी, कान हो गया। डायरेक्टर के लिए अलग है और शेयर होल्डर के लिए अलग है, पहले मुझे डायरेक्टर वाला बताओ। आइए चलो चलो चलो, पहले मुझे लॉ बताओ कि क्या बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, और इस रिकॉर्डिंग को आप तब तक रखते हो जब तक उस कंपनी का ऑडिट ना हो जाए, क्योंकि जो ऑडिटर आएगा वो यही तो देखेगा कि मीटिंग हुआ था कि नहीं, तो ऑडिटर तक के लिए रखना पड़ता है। ठीक है जी, अब बात आ रहा है, अगर डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर देगी रिकॉर्डिंग दे दो यार, तो कंपनी इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन, कंपनी का मन करेगा तो कंपनी देगी, नहीं मन करेगा तो नहीं देगी, ये लिखा हुआ ना। तो क्या डायरेक्टर कंपनी का मन करे तो क्या अलाउ कर सकते हैं, बोलो जल्दी, और बहुत बार नहीं भी, बहुत बार नहीं भी। चलिए तो क्या डायरेक्टर के पास राइट है इस बात का, राइट नहीं है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर सकता है, और बहुत बार चेयरमैन हो सकता है अलाउ भी कर दे, और बहुत बार हो सकता है वो अलाउ ना भी करे। क्लियर है जी, तो बहुत घुमा फिरा के आंसर लिखा गया है। अच्छा डायरेक्टर की मीटिंग है तो डायरेक्टर को तो दिया नहीं, शेयर होल्डर को क्या खाक देगा, तो शेयर होल्डर को तो सूंघने भी नहीं देगा, सीधा हैज नो राइट, मतलब वो तो रिकॉर्डिंग मांग भी नहीं सकता, मांगा कैसे तुमने, है कि नहीं। बाकी आपको मालूम होगा ना, उनके पास इंस्पेक्शन का राइट भी तो नहीं होता है, बोर्ड मीटिंग का नहीं कर सकते हैं, वो जनरल मीटिंग का कर सकते हैं। जनरल मीटिंग का क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जनरल मीटिंग उनकी मीटिंग है, पर बोर्ड मीटिंग तो उनकी मीटिंग नहीं है ना, तो मतलब ही नहीं बनता भाई, दो बार नो नो लिखा है। आओ अगला 15 नंबर, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, पढ़ लिया। एक कंपनी है होली ओन सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी का, तो पक्का है इंडिया से पैसा नहीं लिया उन्होंने, हो सकता है उसके सारे डायरेक्टर्स भी फॉरेनर हो, और सारे डायरेक्टर्स चार अलग अलग कंट्री में बैठे हुए हैं, पर बोर्ड मीटिंग हो रहा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो आप बताइए आप, तो चार कंट्री अलग अलग कंट्री में सब लोग बैठा हुआ, तो वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या होगा, याद रखना फिर वही वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आप का वेन्यू ऑफ मीटिंग कहां दिखाया गया है, नोटिस में दिखाया गया है, वही माना जाएगा, है ना। और याद रखना भले वो चार कंट्री में बैठे हुए पर इंडियन कंपनी के हिसाब से कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इंडिया के किसी भी जगह का नाम दे देंगे, और जनरली वो इंडिया में जो उनका होली ऑन सब्सिडरी होगा उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बता देंगे, क्या बता देंगे वो याद रहेगा। ठीक है जी, तो जो आपका नोटिस में दिया गया वही। 16 नंबर, पढ़ लिया, तो अब बताओ इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसको कहते हैं, जिनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है उनको, जब फिजिकल मीटिंग भी होती है ना तो उनको कहा जाता है तुम इसमें पर्सनली इंटरेस्टेड हो तो तुम चाहो बोर्ड रूम से बाहर जाओ, तुम अभी इसमें वोट नहीं करोगे ना ही डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, तो बताइए अब क्या कैसे भगाओगे, अब तो वर्चुअली जुड़ गया है, तो सोचोगे अभी लॉग आउट हो जाओ कुछ देर के लिए, जब हाँ जब दूसरा रेजोल्यूशन आएगा जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुमको कॉल कर देंगे, तुम फिर से लॉग इन हो जाना। बोलो लॉग आउट कराएगा कि नहीं कराएगा, कहां लिखा हुआ लॉग आउट करा ही देगा, कहां लिखा हुआ लॉग आउट कराएगा, द इंटरेस्टेड डायरेक्टर शुड वर्चुअली लॉग आउट। अच्छा शुरू से अंत तक या जब तक वो रेजोल्यूशन है, याद रहेगा, तो ये भी तुम्हारा हो गया खत्म, तो ये छोटा सा चैप्टर खत्म हो गया, पर मजा सबसे लास्ट में ही था,
है ना, जो तो हमने पढ़ा FAQs, अब तुम्हें समझ में आएगा आईसीएसआई कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन बना के पूछ ले तो हालत खराब हो जाता है। तो इसलिए याद रखना FAQs जरूर पढ़ लेना। अच्छा, CSR चैप्टर में भी आपका FAQs है, तो तुम ICSI मॉड्यूल एक बार देख लेना। जिन जिन चैप्टर में FAQs हो उसको तुम जरूर पढ़ जाना, तो क्या पता वो सीधा क्वेश्चन वहीं से उठा दे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, है ना। तो बहुत सारी बातें मैंने तुम लोग को बताई है। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूरिंग द बैच बहुत सारी बातें बताता हूं तो तुम भूल भी जाते होगे, या कोई डायरी बनाए हुए हो कि सर ने कुछ कुछ बातें बोली हैं उसको एक जगह लिख लें, और जब भी हम तैयारी करें एग्जाम का तो उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें? कोई भी नहीं किया होगा, है ना। ऐसे लो सीएसएनकेजे मंत्र। अब जैसे मैं डेली कुछ ना कुछ बताता हूं, अभी एग्जामिनेशन टाइम आ गया तो मैं डेली कुछ ना कुछ बोलूंगा तुम लोग को एग्जामिनेशन को टारगेट करके। तो उसका ना एक क्या बना लो, एक शीट बना लो कि सर ने ये डूज बोला है, क्या बोला है, डूज, और ये बोला है डोंट, हमें ये नहीं करना है और ये हमें करना है। तो देखिएगा आपको फायदा हो जाएगा। अभी मैंने एक डूज क्या बोला, मॉड्यूल में जहां जहां क्या दिख जाए FAQs उसको कर जाना। ICSI डिट्टो कहां से उठा लेता है, FAQs से। FAQ का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक बार मॉड्यूल में दिखा दूं कहां कहां FAQs है, देखना चाहोगे? देखो ये मॉड्यूल से तो निकाला मैंने, देख नहीं रहे हो कलर। चलो जी अब एक बार बताओ, ICSI का मॉड्यूल चाहिए कहां जाएंगे सर? यूट्यूबर को देखेंगे या ICSI की वेबसाइट पर जाएंगे? ICSI के वेबसाइट पर पहुंच गए, ये हमारा मदर वेबसाइट है ना, उसी को लोग आजकल गाली देते हैं। चलो भाई आ जाओ, कहां जाओगे, एकेडमिक पोर्टल पे जाओगे। कहां जाओगे, एकेडमिक पोर्टल। किस में जाओगे, न्यू सिलेबस में, ओल्ड है तो ओल्ड में, स्टडी मटेरियल में जाओगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर जाओगे, और तुमको किस में जाना है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में जाना है। ठीक है, ठीक है, खुल जाएगा, अभी भयंकर है। अब आ जाओ, इसको ऐसे करना है, कर लोगे, कंट्रोल फाइंड, क्या लिखना है, FAQ, देखते हैं कहीं कहीं है कि नहीं। अरे ऐसा नहीं यार, होगा तो मैंने कहां से पढ़ा दिया फिर, देखो तो आ रहा आ गया ICSI FAQs on वर्चुअल मीटिंग, थोड़ा पीछे करते हैं तो तुमको दिख जाएगा ना, ये FAQs on CSR आ गया ना, दो चैप्टर में तुम्हें मिल गया। देखते हैं और भी है क्या, बस यही दो है। ठीक है, क्लियर है? तुम्हारा भी CSR चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ CSR, CSR नहीं हुआ ना अभी, तो CSR नहीं हुआ तो उसमें FAQs है। देखो तो CSR कितने नंबर का चैप्टर है, ये वॉल्यूम 2 में ही है कि वॉल्यूम 1 में है? वन में है। अच्छा कंपनी लॉ में नहीं है, SBIL में है। CSR किस में है आजकल, कंपनी लॉ में कि SBIL में? कंपनी लॉ में है, उसमें देखिए चैप्टर बच्चा इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, तो कहीं SBIL में तो नहीं है? SBIL पार्ट सेकंड में, कंपनी लॉ पार्ट सेकंड में। हाँ देखो ना, देखो ना, ये वॉल्यूम फर्स्ट भी तो लाई है। अच्छा खैर जो भी है, CSR जहां भी होगा ना, तो CSR और किसको बोलो, वर्चुअल मीटिंग, दो जगह इन्होंने क्या दिया है, FAQs। तो FAQs का आप कर लेना, बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अभी करा दिया उसको भी करवा दूंगा। चलो भी और बताओ, ICSI मॉड्यूल पहली बार देखे हो क्या तुम लोग, कि देखे हो पहले? चलो ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, ये चैप्टर तो हो गया खत्म।